हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूटेकवर्ल्ड पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी में ऐप कैसे इंस्टॉल करें और अनइंस्टॉल करें। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी ऐप इंस्टॉलेशन के टाइम में बीच में अटक जाती है 0% पे, आगे नहीं बढ़ती है, तो इस एरर को कैसे फिक्स करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐप इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा सैमसंग स्मार्ट टीवी के। इसके लिए आपको होम बटन दबाना है रिमोट का। होम बटन दबाएंगे तो आप लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 4 डॉट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके ऐप सैमसंग के ऐप स्टोर में पहुँच जाएंगे। ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले अपने सैमसंग अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सैमसंग अकाउंट नहीं है तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक सर्च बॉक्स से अपनी डिज़ायर्ड ऐप को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके भी ऐप्स में जा सकते हैं, डिज़ायर्ड ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको VooT ऐप इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे मैं VooT टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे VooT ऐप अब आपको दिखाई दे रही है। इसको आप रिमोट से सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन का आइकन दिखाई देगा, इसको रिमोट से सेलेक्ट करिए। अगर आपके टीवी में कोई बग नहीं है तो ऐप यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। अदरवाइज़ आप देखेंगे ये ऐप यहाँ पे इंस्टॉलेशन 0% पर स्टक अप हो गया है। तो मैं आपको बताऊंगा इस इशू को कैसे रिजॉल्व करें। तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन पर वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि सोर्स बटन में आपका ये टीवी सेलेक्ट है। जो लेटेस्ट अपडेट आई थी सैमसंग की, उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग TV प्लस आ गया है यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पे केवल सोर्स में टीवी दिखाई देता था। इसको सेलेक्ट करके आप ऐप इंस्टॉल करते थे तो ऐप इंस्टॉल हो जाती थी। लेकिन सैमसंग TV प्लस को आप टीवी सोर्स से हटा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि सैमसंग TV प्लस इसको डिसेबल करना होगा। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए रिमोट से, फिर रिमोट के बीच वाले बटन से ओके बटन से लॉन्ग प्रेस करिए थोड़ी देर के लिए। तो उसमें ये ऑप्शन आ जाएगा मूव का, रिमूव का। रिमूव वाले ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑप्शन है, रिमूव, डिसेबल, कैंसिल। तो इस ऐप को यहाँ से आप डिसेबल कर दीजिए। अब आपको सोर्स में जाके टीवी को सेलेक्ट करना है। ये टीवी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वापस से आप ऐप स्टोर में जाएंगे। यहाँ से ऐप स्टोर में चलते हैं वापस से, और उसी ऐप को आप दोबारा से इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। VooT यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। ये ऊपर VooT आ गया है, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको, लेकिन देख रहे हैं अभी भी ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही है। तो अगर आप लकी हैं तो इस स्टेज पर आपके यहाँ ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। जो सोर्स में हमने टीवी सेलेक्ट किया था और सैमसंग स्मार्ट टीवी को डिसेबल कर दिया था। अदरवाइज़ इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप रिमोट से टीवी को ऑफ़ कर दीजिए और इसके पावर प्लग को भी आप निकाल दीजिए। पावर प्लग को निकालने के बाद अराउंड 10 सेकेंड और 15 सेकेंड आप वेट करिए। उसके बाद में पावर प्लग को दोबारा से आप लगा दीजिए। अब आप टीवी को ऑन कर लीजिए रिमोट से। अब आपको वापस ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा। ऐप्स में जाइए आप। अब आप जो ऐप इंस्टॉल करने जा रहे थे उसको वापस से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे VooT में इंस्टॉल करने जा रहा था तो मैंने VooT को सेलेक्ट किया, इसके बाद इंस्टॉल पे सेलेक्ट किया। अब देख रहे हैं तुरंत ऐप इंस्टॉल हो गई है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके टीवी में ऐप इंस्टॉल नहीं होती है तो इस तरीके से आप पहले रिमोट से अपने टीवी को टर्न ऑफ कर दीजिए, पावर प्लग को निकाल दीजिए, 10-15 सेकंड वेट कीजिए, दोबारा से पावर प्लग लगाइए, रिमोट से टीवी को टर्न ऑन कीजिए, ऐप स्टोर में जाइए और इसको ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंस्टॉल्ड ऐप हैं उनको आप कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसको मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए वापस से आपको ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा। ऐप स्टोर में जाइए। इसके बाद में यहाँ टॉप में आपको दिखाई दे रहा है एक यूज़र अकाउंट का आइकन है, एक सर्च का आइकन है। इसके बाद सेटिंग है। सेटिंग को सेलेक्ट करिए रिमोट से। यहाँ पे आपकी इंस्टॉल्ड ऐप दिखाई देंगे आपको, जो भी ऐप इंस्टॉल है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री इंस्टॉल्ड ऐप है वो तो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गैलरी ऐप है, स्मार्ट थिंग्स ऐप है, हॉटस्टार है, इसमें ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। तो जैसे अभी मैंने VooT इंस्टॉल की थी, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डिलीट, ओके सेलेक्ट करते हैं, डिलीट, दोबारा से ओके किया तो ये ऐप अब अनइंस्टॉल हो गई है। तो देखिए आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से हम सैमसंग स्मार्ट टीवी में ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं है, ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही है आपके टीवी में तो, लेकिन सैमसंग को नया अपडेट निकालना है इसको फिक्स करने के लिए। मैंने भी सैमसंग कस्टमर केयर में इसके लिए कंप्लेंट की थी, लेकिन अभी तक कोई रेजोल्यूशन उनका नहीं आया है। तो होप है नेक्स्ट अपडेट में सैमसंग इसको रिजॉल्व कर देगा तो आप इजीली अपने टीवी में ऐप्स इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों आज आपने इस वीडियो में समझा कि कैसे अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी में ऐप्स इंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करें, अगर ऐप इंस्टॉलेशन के टाइम में स्टक हो जाती है तो उसको कैसे रिजॉल्व या फिक्स करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।